मुंतजिम आखिरकार मीरब को ढूंढते ढूंढते अपने मुलाजम और अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ उस होटल पहुंच ही जाता है जहां मीरब गई होती है। उस होटल पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहां पर कल रात एक लड़की आई थी। मीरब का हुलिया भी उसको बता दिया जाता है। अभी मुंतजिम वहां खड़ा ही होता है कि वहां पर रिक्शे वाला आता है। तो मुंतजिम उससे पूछता है कि तुम यहां क्या करने आए हो। तो वो बताता है कि मैं यहां सवारी लेने आया हूं। जब मुंतजिम का नाम सुन रहा होता है तो उसे मालूम हो जाता है कि इसका मीरब से कोई ताल्लुक है। रिक्शे वाला सोचता है कि मीरब तो काफ़ी अमीर लगती है और इसके रिश्तेदार ज़मींदार लगते हैं, तभी ये यहाँ से भागकर आई है। वो ये अंदाज़ा लगाता है कि ज़रूर मीरब गलत किस्म की रस्म और रवाज में फंस गई होगी, इसलिए अपनी जान बचा कर आई। मुंतजिम रिक्शे वाले से यानी फरुख से जब मालूम करता है तो वो बहाना बना देता है। इस तरह मुंतजिम उस तक नहीं पहुँच पाता, उसे मालूम ही नहीं हो पाता कि मीरब इसी के पास है और इसी के घर है। फारूक वहाँ से जान बचाकर नज़र बचाकर चला जाता है। ड्रामे की अगली एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।